टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का कल जन्म दिवस था और उसी के उपलक्ष में जो है मुंब्रा में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है एनसीपी के जो कलवा मुंब्रा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान है उनके तरफ से यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया। हालांकि आपको बता दें कुछ दिन पहले इसी तरह का ब्लड डोनेशन कैंप जो है यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का कल जन्मदिन था उसके उपलक्ष्य में इस तरह का कैंप का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। और आज यहाँ पर जो है रूता भाट, शमीम खान और भी तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान जो है रूता अवार्ड ने ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर क्या कुछ कहा है मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आज कल राष्ट्रवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पवार साहब उनका कल जन्मदिन था और इसीलिए साहब ने कहा था कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इंसानियत का कुछ मतलब कुछ हेल्प हो। तो आज हमारे जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है शमीम खान जी, उनकी पूरी टीम और सबने मिलकर यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन का भी कैंप लगा हुआ है। मेरे ख्याल से मजहब के परे जाके अपनी जो भी सोच है उसके परे जाके हमने ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऊपर वाला ना करे लेकिन हमारे किसी सगे संबंधी को या पहचान वाले को अगर खून की जरूरत पड़े तो पता चलता है कि खून की अहमियत क्या है। और ब्लड डोनेशन बहुत ही अच्छी चीज है आपके तंदुरुस्ती के लिए भी, सेहत के लिए भी, क्योंकि जो ब्लड आप देते हैं वो 24 घंटे में फिर से आपके जिस्म में बनता है तो वो जाया नहीं जाता। प्लाज्मा डोनेशन इसलिए है कि प्लाज्मा थेरेपी जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अभी हेल्पफुल साबित हो रही है। अगर आपको किसी में किसी को भी कोविड हो के गया है, अगर आपके आपके पास अगर एंटीबॉडीज है तो आप आकर प्लाज्मा डोनेट कीजिए। उसमें एक बार ब्लड निकालते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं और वही ब्लड वही लहू आपके जिस्म में फिर से डाला जाता है। और आप सोचिए कि अगर आपके रिश्तेदार में किसी को अगर कोविड हुआ हो, अगर उसको प्लाज्मा चाहिए तो उसको दर बदर भटकना पड़ता है, ऐसा किसी के साथ ना हो। इसीलिए प्लीज ये एक अच्छा इंसानियत का तकाजा है कि हम इंसान कम से कम बन के अपना एक छोटा सा एक बॉटल खून तो दे ही सकते हैं, उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं यहाँ की मुमरा की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और शमीम भाई का भी कि हमेशा हर प्रोग्राम वो बहुत अच्छी तरीके से उस पर अमल करते हैं और मैं उनको आगे आने वाले उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत विशेष देना चाहूँगी। परंजपे सर, जिस तरह से पवार साहब के जन्मदिन के अवसर पर इस कैंप का आयोजन किया गया है, खैर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, लेकिन किस तरह का आप इस कैंप को किस नज़रिए से देख रहे हैं? आदरणीय राष्ट्रवादी के हमारे सर्वोच्च नेता शरदचंद्र जी पवार साहब का कल 80वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से हमने थाना में मनाया और प्रदेश अध्यक्ष जयंत जी पाटिल साहब ने 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ब्लड डोनेशन कैंप पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता लगाएंगे ये संदेश सभी कार्यकर्ताओं को दिया था। कल जहां पर गडकरी रंगायतन में प्रोग्राम हुआ वहां पर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, 134 लोगों ने वहां पर ब्लड डोनेट किया। आज राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की तरफ से कलवा में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, वहाँ भी 100-150 लगभग डोनेशन हो जाएगा। और मुमरा में सबसे बड़ा कैंप शमीम खान और शानू पठान मुफ्ती साहब है उनकी पूरी टीम सारे नगर सेवकों ने मिलके यहाँ पर कैंप रखा है और लगभग 300 लोग यहाँ तक ब्लड डोनेट करेंगे, ये हमें आशा है। पूरे महाराष्ट्र में ब्लड की शॉर्टेज है और इसलिए आदरणीय आरोग्य मंत्री राजेश जी टोपे जिन्होंने स्वयं ब्लड डोनेट किया और राष्ट्रवादी के हमारे नेता सुप्रिया सुले जिन्होंने जे हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया, उन्होंने महाराष्ट्र में आह्वान किया कि सभी ब्लड बैंकों में ब्लड कम है, उसी के तहत राष्ट्रवादी के हम सभी कार्यकर्ता 13 तारीख से 20 तारीख तक पूरे थाना में ब्लड डोनेशन कैंप है। आज 13 तारीख को कलवा और
मुमरा में ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है। मैं शमीम भाई, शानू पठान, सभी हमारे नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, युवक के पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो समाज की ज़रूरत है उसके मद्देनज़र हो गए आगे आकर। मुमरा की आवाम के भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रतिसाद इस ब्लड डोनेशन कैंप को मिल रहा है। शमीम भाई, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के योम पैदाइश के मौके पे आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से राष्ट्रवादी कार्यालय के सामने दो अपार्टमेंट पे आज रक्तदान शिविर का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के आदेश अनुसार आज इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं और अपना रक्तदान शिविर कर रहे हैं रक्त। और एक बात मैं आपके माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि इसके पहले जो जमात इस्लामी हिंद का जो प्रोग्राम यही हुआ था रक्तदान शिविर का, ब्लड डोनेशन कैंप का, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ऊपर 350 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। आज ही डॉक्टर अर्शद साहब ने मुझसे बताया है, जो मैगजीम लैब के जो ओनर हैं जिसका ये भी कैंप जिनके मातहत चल रहा है, उन्होंने कहा कि शमीम भाई अब तक हमने 255 लोगों को मैगजीम लैब से हमने ब्लड दे दिया। यानी अगर आप यहाँ अपना रक्तदान कर रहे हैं, आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो आपको ये ब्लड लेने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो सर्टिफिकेट है हम दिखाना चाहेंगे आपके माध्यम से, ये जो है इसको आप जो समझें, सर्टिफिकेट समझें, कार्ड समझें, यही है आपके पास वो प्रूफ, यही आप जब देते हैं, आपका खून देते हैं तो यही आपको मिलता है हमारी तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, और उसके बाद आप यही लेकर के जाते हैं मैगजीम लैब पे और आपको वहाँ पे ब्लड दे दिया जाता है। आए हमारे शहर के और लोगों से मेरी अपील है कि ये कैंप शाम 7 बजे तक चलता रहेगा, आप लोग आकर के इसका हिस्सा बने, और यही खून है जो इंसान की जान बचा सकता वक्त आने पर। देखिए ऐसा है कि माननीय शरद पवार साहब के 80वें जन्मदिन के अवसर पर गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के साथ सहयोग से माननीय हम सब लोगों ने ये राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार ने कैंप रखा। महामारी का टाइम है, ब्लड लोगों को मिलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। जमात इस्लामी हिंद के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये कैंप का आयोजन किया है। इससे मुमरा कौसा की आवाम को ब्लड के लिए दूर अंदेश कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला इससे मुमरा कौसा की आवाम के को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके ज़रिए मैं शहरवासियों को, महाराष्ट्र के वासियों को ये कहना चाहते हैं हम लोग कि आप सभी लोग ऐसे कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि कोविड जैसी महामारी में हमको ब्लड के लिए भटकना ना पड़े। एक तरफ महामारी का संकट, दूसरा रोजी की संकट, ब्लड ज़्यादा कीमतों में मिलता है और कीमतों में पैसा होने के बावजूद भी ब्लड मिलता नहीं। ऐसे कैंप लगाने से आज ब्लड हमको जो ज़रूरत पड़ती है हमको तुरंत मुहैया हो जाएगा। इससे समाज में काफ़ी हद तक समाज की तकलीफें दूर। आपने यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया है तो क्या कहेंगे आप लोगों से इस संदर्भ में? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। इसके पहले भी मैंने अपील की है JH के लिए, हर आदमी को 3 काम करना है, खुद ब्लड दे दे या किसी को गाइड कर दे कि वो ब्लड दे दे, या एटलीस्ट कोई देने वाला हो तो उसको ये बता दे कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ब्लड देना। क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा मैसेज हमारी SVKN टीम की तरफ से ब्लड डोनेशन के लिए हम खुद चलाते हैं, तो ब्लड जितना ज़्यादा होगा, आज 285 लोगों को आज ब्लड मिला है, जैसे शमीम भाई बताए, तो आज 350 ब्लड हमारे पास जमा था तो इतना बेनिफिट हुआ, और आज जो जमा होगा वो आगे एक रिजर्व रहेगा। तो हर शहर में ऐसे ब्लड कैंप्स होना चाहिए और अपने अपने शहर की हमको खुद फिक्र लेना पड़ेगा और हमको ब्लड जमा करके रखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, ये ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए मैं पूरे मुमरा की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, इससे पहले JH वालों ने रखा था, इसी तरह NGO वाले, संस्था वाले या कॉरपोरेटर या जो भी अपने माशरे में एक इज्जत रखता है, दबदबा रखता है, वो इस काम को करे। अगर ये काम हम करेंगे तो हमारी मुमरा के वासियों को, मुमरा के लोगों को बाहर जाने की या किसी से मांगने की खून ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जज़ाकअल्लाह। एक मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे कई लोगों के अंदर में एक डर है कि ब्लड देने से हमारा खून कम हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टरों की एक रिपोर्ट है इसके अंदर में कि हम जब ब्लड देते हैं तो हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। तो जो हमने ब्लड अभी इमीडिएटली दिया है 350 ml जो दिया है वो कुछ ही घंटों में रिसाइकिलिंग हो जाएगा और हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड है
उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि रिसाइकल हो जाएगा। ये ब्लड देने से एक फायदा ये भी है कि हमारी बॉडी में नया खून बनेगा और हमारी बॉडी में नया खून पैदा हो जाएगा। जो हमने ब्लड दिया है ये किसी और के जरूरतमंद के काम आएगा। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। ये जो ब्लड हम दे रहे हैं ये फ्री हम किसी और को जरूरतमंद को मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा खून किसी मरते हुए इंसान की जान बचाने के काम आएगा। इससे बढ़कर और एक संदेश नहीं हो सकता है कि यह हमारा खून किसी मरते हुए इंसान का की जान बचाया।